तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग में प्रोटेक्ट शीट फाइल एंड सेल, मतलब प्रोटेक्शन मेथड जो है आज की हमारी टॉपिक है। और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू। तो सर ये स्टार्ट करते हैं और सर जरा बता दूं कि जो हम जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो क्या है, पहले इस चीज़ को जान लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने डेटा को सिक्योर करेंगे, अपने सीट को सिक्योर करेंगे, अपने फाइल को सिक्योर करेंगे, ठीक है, कि आपके परमिशन या आपके मर्जी के बगैर आपके फाइल के साथ कोई छेड़छाड़, आपके डेटा के साथ, आपके शीट के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सेशन। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इससे पहले हम एक्सेल फाइल एक ले लेते हैं कि अगर एक्सेल फाइल के ऊपर अगर कोई डेटा है तो मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन उस डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, देख सके, कॉपी कर सके, सिलेक्ट कर सके, बट कोई एडिट ना कर सके। ऐसा कब होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपने एक जूनियर को या किसी को आपने एक डेटा दे दिया, उस डेटा के बिहाफ पे कुछ और काम वो कर रहा है, किसी तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहा है, तो उस समय आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन मेरे उस डेटा को छेड़छाड़ न कर सके, सिर्फ देख सके, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पर होता है जैसे एक्सीट में जैसे परसेंटेज रेट वगैरह होते हैं तो कोई चेंज ना कर लें, या अटेंडेंस शीट वगैरह होती है, या सैलरी शीट होती है वगैरह वगैरह। तो जैसे एक छोटा सा डेटा मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे, और मैंने कम अपने स्क्रीन पे डाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को किसी भी तरह का चेंज ना कर सके। सिंपल सा सीट पे राइट क्लिक कीजिए, या फिर आपके यहाँ रिव्यू में भी होता है, रिव्यू टैब में जाते हैं तो प्रोटेक्ट शीट दिखता है, इस पर क्लिक करें, या फिर सीट के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कीजिए, एक आपके सामने विंडो आएगा, यहाँ देखिए पासवर्ड है, आप पासवर्ड डालें, फिर आपसे पूछेगा कन्फर्म पासवर्ड। बट कन्फर्म पासवर्ड करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा है लिखा हुआ है कि इफ, यहाँ पे एक वार्निंग दिया हुआ है कि इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक्सेल का शीट का पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो किसी भी तरीके से पासवर्ड को रिकवर नहीं कर सकता माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। हाँ, बहुत सारे पासवर्ड रिकवर्ड, बहुत सारे पासवर्ड रिमूवर सॉफ्टवेयर हैं जिसमें जाकर आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पासवर्ड के ऊपर। आपने कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डाल रखा है, एड करेक्टर स्पेशल करेक्टर वगैरह मिक्स करके, अपर लोअर स्पेशल करेक्टर नंबर करेक्टर दोनों, तो उसको पासवर्ड क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी कर सके, हो सकता है बहुत टाइम कंज्यूम करे। तो इसकी पासवर्ड कन्फर्म कीजिए एंड ओके कीजिए। अब मेरा लॉक हो गया, तो इससे मैं किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ, डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ, बाकी सारा काम कर सकता हूँ, बट किसी तरह का एडिशन, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हो, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि पासवर्ड डालने के बाद कुछ कुछ काम करें। जैसे पासवर्ड डालने के बाद आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग हो सके, तो प्रोटेक्ट करते समय यहाँ आपके सामने बहुत सारे चेक बॉक्स दिखते हैं। एक चेकबॉक्स क्या है, ऊपर मैसेज दिया हुआ है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद जितने भी जो चेकबॉक्स है, जिस जिस चेकबॉक्स पर आप क्लिक करोगे वो पासवर्ड डालने के बाद काम हो सकेगा। जैसे कि हमने कर दिया फॉर्मेट सेल, अब क्या होगा कि हम पासवर्ड डाल दें उसके बाद भी आप इसके कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज का फॉर्मेट हो, कलर हो, ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे बहुत सारे डेटा में क्या होता है कि हमें देना होता है कि फिल्टर लग सके, पिवट लग सके, शॉर्टिंग हो सके,
तो वो सारी चीजें नीचे होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने कोई बटन बनाया है तो कोई बटन पे क्लिक कर सके, तो यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट हो गया, यूज ऑटो फिल्टर हो गया, यूज पिवट टेबल हो गया, यूज सॉर्ट हो गया, ये सारे जो है अलाउंस है कि आप पासवर्ड डालने के बाद क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पे आता है कि हम पासवर्ड डालने के बाद कॉपी तो कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन में पासवर्ड डालने के बाद कॉपी ना कर सके, बस डेटा कॉपी रिमूव करना चाहते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको राइट क्लिक और कॉपी अलाउड नहीं होता है, तो हम यहाँ भी ऐसा ही करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके। तो कॉपी ना कर सके इसके लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कॉपी करने के लिए जरूरत क्या होती है? कॉपी करने के लिए जरूरत होती है सिलेक्शन। तो आपने शायद देखा होगा कि जब हम प्रोटेक्ट शीट कर रहे थे तो यहां पे था सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक सेल अनलॉक सेल क्या होता है, अभी थोड़ी देर में इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिलेक्शन अलाउंस कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि यूजर पासवर्ड डालने के बाद ही जो है सिलेक्शन कर सकता है। और जाहिर सी बात है पिवट टेबल सॉरी कॉपी करने के लिए सिलेक्शन की इंपॉर्टेंट है, बगैर सिलेक्शन तक किसी भी तरह का कॉपी हम नहीं कर सकते ना। कॉपी करने के लिए चाहे फाइल हो चाहे शीट हो चाहे रेंज हो, कॉपी तो चाहिए सिलेक्शन तो चाहिए। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को हटाया एंड ओके किया। अब देखिए कि मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, और जाहिर सी बात है जहां मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ वहां हम कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर किसने कंट्रोल सी किया भी तो एक सेल या ब्लैंक सेल पे कर्सर रखिए, ब्लैंक सेल कॉपी होगा। तो कॉपी को इस तरह से रिमूव किया जा सकता है। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए का डाउट किसी को नहीं है? नो सर। चलिए अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना, जो आपके सामने दिख रहा है ना, मैं चाहता हूं कि इस एरिया को जो है प्रोटेक्शन से बाहर रखो कि कोई भी पर्सन इसको प्रोटेक्ट ना कर सके। समझ गए? तो कैसे करें इसको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके जो हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो एक ऊपर आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट एंड वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। अब लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या होता है जानिए। हर एक सेल बाय डिफॉल्ट लॉक होता है, कैसे पता चले? तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और इसका सबसे लास्ट टैब प्रोटेक्शन, यहां लॉक पे क्लिक है। तो जिसके भी लॉक पे क्लिक है इट मींस ए प्रोटेक्ट है, मतलब कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, और अनचेक कर देंगे तो अनलॉक सेल हो जाएगा। तो फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और फिर इसको हटा देते हैं। हमने हटा दिया, ये क्या हो गया, अनलॉक हो गया, अनलॉक हुआ देन ओके। अब इसमें मैं प्रोटेक्ट करूंगा फाइल को एंड ओके कर दूंगा। तो मैं सब जगह काम कर नहीं कर सकता हूं, सिर्फ इसी पे काम कर सकता हूं। मैं एक बार उल्टा इशारा करके दिखाता हूं, जैसे कि मेरा एक एरिया है। अब ये एरिया हमारा, मैं चाहता हूं कि ये एरिया सिर्फ लॉक रहे बाकी एरिया अनलॉक रहे, मतलब कि रेड एरिया जो है हम इस रेड एरिया पे किसी भी तरह का काम ना कर सके। तो क्या होगा इसके लिए, हम क्या करेंगे यहां पे कि पहले पहले तो पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, वन और ए के बीच में ट्रायंगल होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाता है। फिर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहां से लॉक को हटा देते हैं। अभी क्या है कि पूरा का पूरा सीट हमारा क्या हो गया, अनलॉक्ड हो गया। फिर वापस इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक
फॉर्म ए सेल और इस पे हम लॉक को लगा देते हैं। तभी क्या हुआ कि पूरा सीट हमारा अनलॉक है, सिर्फ ए रेड एरिया हमारा अनलॉक है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट सीट और इसमें पासवर्ड डाल के ओके कर देते हैं। अब मैं कहीं भी टाइप कर सकता हूं बट इस एरिया में टाइप नहीं कर सकता। बट बात आती है इसका बेनिफिट क्या है, हम अपने ऑफिशियल लाइफ में हम इसका यूज क्यों करेंगे। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको कि हम जो है एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, कमीशन, जीएसटी, टोटल, डेट एंड टाइम। एक सेकंड कीजिएगा, सॉरी सर माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो है नेम, क्वांटिटी और अमाउंट है, तो क्वांटिटी और एमआरपी को हमने दिया, कमीशन का हमने यहाँ पे 10% लगा निकाला, 10% नहीं 2% निकालता हूँ मैं, जीएसटी हमारा अमाउंट, जीएसटी जो है हमारे अमाउंट का 18% है और फिर इसका हमने टोटल कर दिया। अब इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो अभी क्या है, हम डेटा एंट्री जब करते हैं तो डेटा एंट्री करते समय क्या दिक्कत होता है कि हम जैसे हमने नाम लिखा पूजा, क्वांटिटी हमने लिखा, हमने एमआरपी लिखा, बाकी अपने आप कैलकुलेशन हो गया, फिर डेट दिया और टाइम दिया। अब दिक्कत यहां पे आती है कि मुझे यहां से चार कॉलम जाकर फिर यहां आना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर डायरेक्ट यहां से सीधे यहां जंप करे, तो जिससे हमें टाइपिंग करने में आसानी हो, कि मैं वहीं पे कर्सर को मूव करना चाहता हूं जहां पे मेरा टाइपिंग करना है, जहां एडिट करना है। तो हम पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, लॉक को हटा देते हैं, फिर जिस एरिया में हमें लॉक लगाना है उस एरिया को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गया और वापस हमने लॉक लगा दिया। अब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा, लेकिन पासवर्ड डालते समय हम यह ध्यान रखिएगा कि सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर दीजिएगा,
सिर्फ चेक क्या रहेगा, सिर्फ लॉक से अनलॉक से, मतलब कि डी ई एफ जी के अलावा, देन ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम दिया ओम, मैंने नंबर दिया, और जैसे ही टैब मारूंगा मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ जंप करेगा, देखिएगा एक ही बताया मैंने, मतलब कि मैं किसी भी कंडीशन में इन दोनों पे नहीं जाऊंगा। तो दो चीजें हुई, एक तो हमारी हमारा टाइम बचा जब उसी एरिया में जाएंगे, दूसरा ये जो फॉर्मूला है वो हमारा सिक्योर हो गया कि कोई भी फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब फॉर्मूले की बात आए तो मैं फॉर्मूला को हिडन करना चाहता हूँ, कर्सर जाने के बाद भी फॉर्मूला ना दिखे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पे कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट सेल में आए, फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन में यहाँ फॉर्मूला में देखिए हिडन दिख रहा होगा आपको, हिडन, इस हिडन पे क्लिक कीजिए एंड ओके। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड डाल के आप देखेंगे यहाँ डिसेबल हो गया फॉर्मूला बार, सिर्फ इस सेल की है, बाकी सेल पे शो होगा। तो फॉर्मूला को हिडन करने के लिए हम इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रवीण जी, गांधी जी, किसी डाउट किसी तरह का आपको? बट फिगर नजर आएगी, ओनली द फॉर्मूला विल नॉट बी देयर। जिस सेल को सेलेक्ट करके आपने फॉर्मूला हिडन किया है उसकी प्रॉपर्टी बार हाइड हो जाएगी, चाहे नंबर हो या फॉर्मूला हो, फॉर्मूला बार हिडन हो जाएगी, जिसने नहीं किया वो शो होगा, बाकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो सब कुछ होगा। ओके, समझ में आ गया सर? यस सर। अब अगला क्वेश्चन, हम चाहते हैं एक ही सीट में दो तरह के पासवर्ड डालना, जैसे कि मेरी एक ही सीट पे दो लोग काम करते हैं और हम नहीं चाहता कि दोनों एक दूसरे के काम को इंटरफेयर करें। अब इसका यूज क्या होता था, मैं बहुत साल पहले सिटी फाइनेंशियल में काम करता था, तो मैं था कैश क्लियरेंस सेंटर में, मतलब कि मेरा काम था जो कलेक्शन होती थी ईएमआई की, जो कलेक्शन होती थी उसकी करेंसी को लेना और इनके अकाउंट पे डिपॉजिट करना, और उसकी रिपोर्ट जो है हमें देना होता था बाकी को। तो प्रोसेस उस तरह से होता था कि बैंक हमें सबसे पहले अपना डम डेटा भेजती थी कि भाई इतने लोगों का में पैसा बकाया है जो कि आपको वसूली करना है। बस इसके बाद क्या होता था कि टेलीकॉलिंग टीम का जो टीम लीडर होता था वो क्या करता था कि वो टेलीकॉलर को असाइन करता था, भाई एज इस तरह का जोन है, एक ही फाइल पर सारा काम होता था, एक फाइल अब मिल गया, उस फाइल पे एक कॉलम में टेलीकॉलिंग का नाम दे दिया कि भाई ये टेलीकॉलर है, इसको 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 कॉल करना है, अब टेलीकॉलर आएगा अपना डेटा फिल्टर करेगा और बंदे को कॉल करेगा। अब टेलीकॉलिंग में जो कॉल करने के बाद कस्टमर से बातचीत की, कस्टमर ने बोला ठीक है मुझे 5 तारीख को बंदे दे दीजिए, 5 तारीख को मैं कैश या चेक दे दूंगा। अब उसके बाद टीम लीडर क्या करेगा, टीम लीडर अपने अपना डेट का फिल्टर लगाएगा, देखेगा आज के रेट में हमें किस किस से कलेक्शन करनी है, तो जिस जिस से कलेक्शन करनी है उस रीट का जो ये है डिलीवरी कलेक्शन बॉय है उसको असाइन कर देगा, उसके नेक्स्ट ईयर प्रिंट आउट निकलेगी और उनको मिल जाएगी। कौन से प्रिंट आउट निकली और मिल गया। उसके बाद बात आ रही है, बात आती है कोऑर्डिनेटर टीम का, कोऑर्डिनेटर टीम क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी कि भाई जिस कस्टमर का पैसा लेने गया था उससे पैसा वसूली हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ। तो जो सिलेक्शन बॉय है वो बताया कि हाँ मैंने इस कस्टमर से पैसा लिया, चेक में लिया, कैश में लिया और इतना लिया, वो पैसा फिर मेरे पास आएगा और मैं उसको देखूंगा कि किसका किसका पैसा कलेक्शन हुआ है, उसके अकाउंट में मैं डिपॉजिट करवा दूंगा, मेरा काम ये था, और मैं भेजूंगा रिपोर्ट कि भाई इन इन कस्टमर के पैसा डिपॉजिट हो चुका है। अब क्या हुआ, टेलीकॉलिंग टीम मैच करेगी कि मैंने जो डेटा भेजा था उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों की पेमेंट आ गई है, ताकि वो अपना रेट वगैरह निकाल सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, होता क्या था कि टेलीकॉलिंग कस्टमर से बात करता था और बोलता था कि भाई मैं 5 तारीख को लड़का भेजूंगा, अब टीम सिलेक्शन टीम के पास 5 तारीख को उस रूट के लिए पर्याप्त जिंदा नहीं है। अब बंदा देख रहा है कि मैं एक दिन के लिए तो एक पेमेंट पेमेंट के लिए कि मैं 20 किलोमीटर क्यों जाऊँ, अगले मैं परसों मेरे पास 3 पेमेंट है तो मैं परसों इकट्ठे जाऊँगा पेमेंट ले आऊँगा। वो कस्टमर से बात कर लेगा, सर पेमेंट आपकी लेनी थी आज तो आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं परसों आऊँगा। कस्टमर ठीक है परसों आ जाओ,
अब ए बात टेलीकॉलिंग को पता, तीन को पता नहीं है, टेलीकॉम बोल बता रही है कि मुझे 5 तारीख को कलेक्शन होने वाला है, फिल ने कस्टमर के साथ अपना सेटिंग करके बोल दिया कि 7 तारीख को पेमेंट होगा। अब 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट जाएगी, टेलीकॉलिंग का रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है, मेरे पास जो मेल आया डेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने पैसा लिया, टेलीकॉलिंग करती है, मैंने इतने लोगों को भेजा है, क्योंकि डेटा तो मास्टर डेटा अपडेट होता था, क्योंकि अपना भी पास अपने पास ही डेटा रखती थी उस रिपोर्ट के लिए। अब ये प्रॉब्लम होने लगी, मैचिंग होता था, मेरे पास उसकी मेल स्पेशल मेल आती थी, फिर मैं चेकिंग करना शुरू करता था, फिर बताता था यार आपका डिपार्ट डेटा कुछ और कर रहा है, यहाँ पे डेटा कुछ और कर रहा है, टेलीकॉलिंग और टीम के सिलेक्शन टीम के बीच में घपला है। तो वहां पे मैंने बोला कि ऐसा उससे होना चाहिए सिस्टम कि बाय टेलीकॉलिंग टीम जो है फील्ड का डेटा ना एक्सेस कर पाए, फील्ड की टीम जो है टेलीकॉलिंग का डेटा एक्सेस नहीं कर पाए, और दोनों का डेटा मैं एक्सेस करूं और मेरा डेटा कोई एक्सेस नहीं कर पाए, बट देख सब पाए, बाकी फिल्टर शिल्टर सब कुछ लगा पाए। तो वहां पे जो जो एरिया जो कॉलम फील्ड टेलीकॉलिंग का है उसको सेलेक्ट करके मैं डिफरेंट पासवर्ड दे दिया, फिर कलेक्शन टीम को मैंने डिफरेंट पासवर्ड दे दिया और मेरे लिए अलग डिफरेंट पासवर्ड हो गया। तो हुआ क्या कि कल के डेट में डेटा अगर गैच होती है तो हम क्या बोलते थे टेलीकॉलिंग टीम को कि आपने पासवर्ड क्यों शेयर किया, कि आपकी गलती है, आपका सवाल उठेगा, समझ लिया ना। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सीट में डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड कैसे लगाएंगे। ये तो स्टोरी हो गई, अब ये स्टोरी समझाना बताना जरूरी क्यों था, ताकि पता चलेगा कि इसकी नीड क्या है, ऑप्शन अप्लाई कैसे होता है जानना तो आप हेल्थ भी जान लेंगे, लेकिन ऑफिशियल वे में इसका यूज हम कहां करेंगे ये जानना बहुत जरूरी होता है। जो मैंने अपनी स्टोरी बताई, हो सकता है कि इसी तरह का कोई काम, इसी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो जब आप शेयर डेटा में काम करते हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको, हम जाएंगे रिव्यू में, यहां है अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज इस पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहां पे हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड डाल दिया, फिर वापस न्यू पे आएंगे और फिर इसमें हम दूसरा रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ये दूसरे रेंज में हम दूसरा पासवर्ड डाल देंगे, हो गया। अब अप्लाई कर देंगे, अब इतना अप्लाई करने से नहीं हुआ कि अब हो गया, नहीं, इसमें हमें राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट में जाके पासवर्ड डालना होगा, एक करेंगे तभी आपका पासवर्ड एक्टिव होगा, हमने डाला उसको ओके कर दिया। मैं पासवर्ड फिलहाल नहीं डाला, मैं बताया पासवर्ड रिकवर नहीं होता, ऐसे मैंने नहीं डाला। अब जैसे मैं इस पे काम करने की कोशिश करूंगा मुझसे पूछेगा पासवर्ड, पूछ दिया, मैं इससे पासवर्ड अप्लाई कर दे ओके किया, अब मैं इस पे काम कर सकता हूं, पर जैसे इस पे काम करने जाऊंगा अगेन मुझसे पासवर्ड पूछेगा और इसका पासवर्ड अलग होगा, मैंने सेम पासवर्ड दिया तो बोलेगा कि नहीं पासवर्ड इनकरेक्ट, और जैसे फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया वापस जब ओपन करूंगा तो वापस से पासवर्ड पूछेगा, समझ गया सर। यस अब्बासी जी, सुशील जी, जी सर, समझ में आया, समझ में आया सर, यस सर आ गया, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई कर ले जिस एरिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड लगाने हैं, राइट, कर लिया। उसके बाद एक एरिया को, पहले एरिया को सेलेक्ट कीजिए, रिव्यू में जाइए, अलाउ यूनिट, अलाउ एडिट यूजर रेंज पे जाइए, न्यू पे, और यहां पे डिफरेंट पासवर्ड डाल दीजिए, फिर वापस इसी में न्यू पे क्लिक कीजिए, रेफर टू सेल्स जो है रेंज जो सिलेक्ट करना है उसमें आप कोई और दूसरा रेंज को सिलेक्ट कर लें और इसमें डिफरेंट पासवर्ड डाल दें, पासवर्ड को कंफर्म करें, देन ओके एंड अप्लाई, देन ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्ट शीट, शीट को प्रोटेक्ट करेंगे अपना पासवर्ड डाल के, उसके बाद जैसे इससे कोई काम करेगा पासवर्ड पूछेगा, आया समझ में सर, या एक बार और बताऊं, जो शीट का पासवर्ड है हाँ वो सेपरेट होगा, तो टोटल 3 पासवर्ड्स विल बी देयर, जी हाँ जी हाँ, 3-4 शीट का तो डिफरेंट पासवर्ड होगा, जो कि ये जो रेंज है इसके अलावा कोई और काम ना कर सके इसके लिए,
मतलब काम इन दोनों पे ही होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड पे, बाकी एरिया पे काम नहीं होगा। बाकी एरिया पे भी काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सीट को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में अनलॉक कर दीजिए, समझ गए? आया समझ में सर? हेलो, यस सर, क्लियर। आगे बढ़े जी सर। चलिए अब बात आती है फाइल की ओपनिंग पासवर्ड, नहीं ओपनिंग पासवर्ड नहीं, मैं चाहता हूं कि कोई अधिकारी कितना भी प्रोटेक्शन कर लिया हो तो कोई भी मेरे सीट को डिलीट कर सकता है, ले आओ डिलीट मार दिया। मैं चाहता हूं मेरे सीट को कोई छेड़छाड़ ना कर सके, तो प्रोटेक्ट शीट के बगल में आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया, इसमें पासवर्ड डाला एंड ओके कर दिया, तो क्या होगा कि अब इस पे आप कोई भी डिलीशन नहीं कर सकते, ना कोई सीट इंसर्ट कर सकते हैं, ना कोई सीट डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, प्रोटेक्ट वर्कबुक में तो ओपन ही नहीं होगा ना जब तक पासवर्ड नहीं होगा तब तक। अभी मैंने अभी तो ओपन होगा बट सीट के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। अभी जो देखिए एक पास से बताया जो सीट के अंदर का था, अभी जो ने बताया वो सीट पे है कि सीट के स्ट्रक्चर को इसने क्या किया, लॉक कर दिया कि कुछ नया सीट नहीं डाल सकता, कोई हिडन सीट को हाइड अनहाइड नहीं कर सकता, या हाइड को मतलब अनहाइड को हाइड, हाइड को अनहाइड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता सीट पे। अब बात आती है कि ओपनिंग पासवर्ड, तो अगर फाइल को ओपनिंग पासवर्ड करते समय अगर फाइल को सेव कर रहे हैं ना, या सेव करते समय आपको यहाँ टूल दिखेगा, टूल्स में जनरल ऑप्शन, यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल दीजिए, तो आपकी ओपनिंग पासवर्ड होगी। तो इसमें दो डिफरेंट पासवर्ड डाल सकते हैं, एक ओपन करने के लिए, दूसरा मॉडिफाई करने के लिए। अगर मॉडिफाई पासवर्ड नहीं है तो फाइल को रीड ओनली मोड में वो ओपन कर सकता है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल रीड ओनली मोड में सबको ओपन करे बट एडिट मोड में ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, तो आप रीड ओनली मोड का पासवर्ड ओपन पासवर्ड टू ओपन मत डालिए, यहां मॉडिफाई पासवर्ड डाल दीजिए। बट ये सारी चीजें कब होगी, जब फाइल आप सेव करेंगे। बट मुझे ओपनिंग पासवर्ड डालना है बट मैं फाइल को सेव नहीं करना चाहता। फाइल सेव क्यों नहीं करना चाहता, रीजन ये है कि फाइल जो हमारा है वो फाइल हमारा बहुत सारे डेटा से लिंक है। अब डेटा से लिंक है तो अगर फाइल को हमने डाल दिया लॉक सेव कर दिया तो लिंक टूट जाएगा ना सर। तो इसके लिए आपको फाइल मेनू बार में यहाँ इन्फो के अंदर आइए और इन्फो में यहाँ देखिए प्रोटेक्ट, जो जिसे सीट प्रोटेक्ट है वो सब दिखेगा, जो भी प्रोटेक्शन अप्लाई है सारा दिखेगा आपको यहाँ पे। इसी में जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दिखेगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब इनक्रिप्ट विद पासवर्ड को लीजिए और इस पे अपना पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए, ये आपका फाइल की ओपनिंग पासवर्ड हो जाएगी, वो भी बिना सेव एज किए हुए। ते हमारी आज की प्रोटेक्शन मेथड की क्लास थी। अब आप लोगों के पास कोई सवाल वगैरह है, कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है कोई? सर ये डुप्लीकेट जो फाइल थी, डुप्लीकेट फाइल में अगर टेम्पल डिलीट करना हो दो में से एक डिलीट करना होता, कल जो मैंने मेथड बताया था काउंटिंग वाला, वो मेथड अप्लाइए, ग्रेटर देन वन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिल्टर करके डिलीट मार दीजिए। हमने काउंटिंग का फॉर्मूला तो समझाया था ना, तो उसमें क्या था कि वन टू टू आ रहा था तो वन वाले को छोड़ दीजिए, वन आपका पहला है, बाकी तो डुप्लीकेट है, फिल्टर में आ गया तो डिलीट मार दीजिए या शॉर्ट कर लीजिए उसको। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। थैंक यू सर।